आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भाजपा संसदीय दल की बैठक, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल। रक्षा क्षेत्र में बदल रही भारत की तस्वीर, जापान, कतर और इराक समेत 42 देश हुए भारतीय हथियारों के मुरीद। और यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी के मध्यस्थता वाले रुख की ऑस्ट्रेलिया ने की सराहना, कहा यह एक सकारात्मक संदेश। बीएसएफ ने गुजरात के भुज से पाकिस्तानी नाव को किया जब्त, पीएम मोदी से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। वैक्सीन में होगा सुधार, भारत बायोटेक ने कहा वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव पर WHO को नहीं है आपत्ति। सोनिया गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता की, महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला। आर्य समाज शादी में विशेष विवाह अधिनियम के प्राविधानों का पालन करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। निखरेंगे नैक रैंकिंग में पिछड़े उच्च शिक्षण संस्थान, शिक्षा मंत्रालय ने बी और सी कैटेगरी के सभी संस्थानों की मांगी रिपोर्ट। इलेक्ट्रिकल वाहनों के मानकीकरण के लिए तकनीकी विकसित बेहतरीन ड्राइव ट्रेन उपकरणों का देती है सुझाव। आपका हरियाणा में बड़ा दाव, केजरीवाल अपने गृह राज्य में कर पाएंगे कमाल। नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा होंगे देश के नए विदेश सचिव, हर्षवर्धन श्रृंखला होंगे रिटायर्ड। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर पहुंचकर घायल जवानों का जाना हाल, मुर्तजा को 14 दिन की न्यायिक रिमांड। अमित शाह ने विपक्ष की आशंकाओं का जवाब देते हुए कहा अपराधियों से 2 कदम आगे रहेंगे, पुलिस मिलेंगी कई अधिकार, दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक लोकसभा से पारित। राज्य की लोक लुभावन योजनाओं पर नौकरशाहों ने जताई चिंता, कहा श्रीलंका जैसा हो सकता है हश्र। चाचा भतीजे के अनबन में बीजेपी का बड़ा दाव, शिवपाल यादव को डिप्टी स्पीकर बनाकर अखिलेश के बगल में बैठाने की तैयारी। औरैया में जंगे मैदान में तब्दील हुआ 13वीं संस्कार, मामूली कहासुनी में हुई हिंसक झड़प। औरैया में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोर गैंग के 2 सदस्य हुए गिरफ्तार। अयोध्या में सुरक्षा बल पर हमले के बाद सख्त हुआ सुरक्षा घेरा, भगवान राम के जन्मोत्सव को मनाए जाने की तैयारी। बदायूं में त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट, भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की फुट पेट्रोलिंग।
बरेली में अंबेडकर समाज पार्टी के लगे विवादित पोस्टर, लोगों का शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस। गाजीपुर में किसानों की उम्मीद जलकर हुई राख, गेहूं की खड़ी फसल में लगी आग। योगी आदित्यनाथ सरकार असंगठित श्रमिकों को जल्द देगी 5 लाख तक कॉशलेस इलाज की सुविधा। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम छू रहे आसमान, 15 दिनों में 13वीं बार अब तक 9 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी। आगरा के यात्रियों के लिए खुशखबरी, यमुना एक्सप्रेसवे पर 15 जून से शुरू होगा फास्टैग। रेलवे अब ट्विटर और अन्य इंटरनेट मीडिया माध्यम पर सूचनाएं नहीं करेगा शेयर, बड़े खतरे के अंदेशे में लगाई रोक। कानपुर में दबौली हत्याकांड की गवाह बोली, अदालत को बताऊंगी कांग्रेस नेता का नाम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्याएं। स्वच्छ सर्वेक्षण में ट्वीट करने में गाजियाबाद नगर निगम प्रदेश में अव्वल, देश में 2 नंबर पर। अब नोएडा में होगा यूपी का सबसे ऊंचा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, ऊंची इमारतों में आग बुझाने में मिलेगी मदद। लखनऊ में टोल प्लाजा पर लगने वाली वाहनों की लाइन में फास्टैग नहीं, लग जाता है लंबा जाम। बच्चों के घर न पहुंचने पर खेतान स्कूल में अभिभावकों ने किया हंगामा। एक्सप्रेसवे पर कर्मचारी ही नहीं समझ पा रहे, टोल की तकनीकी बदली जा रही, व्यवस्था नहीं होगी परेशानी। सिविल अस्पताल में 3 साल बाद भी नहीं बन सका मॉड्यूलर ऑटो, मरीजों को नहीं मिल पा रही इलाज। लखनऊ में मिठाई की नामचीन दुकानों पर बड़ी कार्रवाई, एडीएम कोर्ट ने लगाया जुर्माना। किसी आतंकी संगठन का स्लीपर सदस्य तो नहीं, मुर्तजा लैपटॉप में मिले डेटा दे रहे संकेत। एक 1000 ईंट का रेट 7000 से अब 8000 रुपए हुआ प्रति ईंट, 1 रुपए महंगी हुई। कानपुर में प्रदर्शन के बाद अब प्रशिक्षण की बारी, खेती में ड्रोन के प्रयोग की तैयारी। लखनऊ नगर निगम के स्वच्छता कर्मचारी हड़ताल पर, ध्वस्त हुई शहर की सफाई व्यवस्था। पौने 3 लाख लोगों के डाटा का फॉरेंसिक ऑडिट कराएगी एसटीएफ, लखनऊ में इंश्योरेंस के नाम पर ठगी। लखनऊ में मेकअप आर्टिस्ट समेत 2 से 1 करोड़ से अधिक की ठगी, दंपति समेत 5 पर मुकदमा दर्ज।
लोकनाथ मंदिर में हमले को नाकाम करने वाले जवानों में उन्नाव का सिपाही अनुराग भी मुख्यमंत्री ने किया पुरस्कृत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत 385 केंद्रों पर सेमेस्टर परीक्षाएं। आगरा में पेठा के 4 कारखाने हुए सील, कोयला और लकड़ी से जल रही थी भट्टियां, 85,000 रुपए का जुर्माना। मथुरा वन में वृंदावन के भगवताचार्य सहित 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मारपीट, लूट और छेड़छाड़ का आरोप। हिरासत में पिटाई से युवक की हालत बिगड़ी, एसओ निलंबित, 3 सिपाही लाइन हाजिर। हरिद्वार जिला जेल में बह रही सौहार्द की गंगा, एक ओर बंदी रख रहे नवरात्र के व्रत तो दूसरी ओर चल रही रमजान की इबादत। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दिल्ली में सीएम धामी ने दिया बड़ा बयान, सामने रखी कमेटी की रूपरेखा। उत्तराखंड पुलिस की शान है आर्मी के रिटायर्ड पिता की 4 बेटियां, 2 हेड कांस्टेबल तो 2 है दरोगा। ब्यूरोक्रेसी को लेकर हुए सख्त, कहा समय से आए अधिकारी, जनता के फोन का दे जवाब। देश में खतरे में है भेड़ियों की नस्ल, कुत्तों के साथ क्रॉस ब्रीडिंग से बढ़ा खतरा, भारतीय वन्य जीवन संस्थान के शोध में पता चला। आईआईटी रुड़की की नई पहल, अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ ही वैदिक विज्ञान के परिचित होंगे विद्यार्थी। फिजूल खर्ची से बचने के लिए अब 10 करोड़ से अधिक के कार्यों का स्पेशल ऑडिट अनिवार्य। युवक और महिलाओं की तरह ही बनेंगे किशोरी मंगल दल, 15 से 25 वर्ष की बालिकाओं को मिलेगा लाभ। छह लोगों को निकलने वाले फतेहपुर में जंगल में 3 शिकारियों ने संभाला मोर्चा। सरकार का 100 दिन का एजेंडा होगा खास, विभागों के भरोसे नहीं छोड़ेंगे मुख्यमंत्री धामी। कैबिनेट मंत्री अग्रवाल के विरुद्ध याचिका पर होगी सुनवाई। गदरपुर में पंक्चर बनाने वाले युवक की गोली मारकर हत्या। पंतनगर में मुंबई, दिल्ली, गोवा सहित कई प्रमुख शहरों के लिए उड़ान को हरी झंडी, स्पाइसजेट 8 अप्रैल से शुरू करेगी सेवा। पौड़ी देवप्रयाग मार्ग पर ट्रक खाई में गिरने से 3 की मौत, 2 शव निकालने में एसटीआरएफ की टीम को करनी पड़ रही मशक्कत। हरिद्वार में आरएसएस की राष्ट्रीय चिंतन बैठक, मोहन भागवत की सरकारवाद दैत्य, हौसले वाले बोले मौजूद। पाकिस्तान में बढ़ सकता है सियासी बवाल, आयोग ने 3
माह में चुनाव कराने के खड़े किए हाथ। पाकिस्तान के सियासी उठापटक के बीच सुप्रीम कोर्ट पर लगी है सभी की नजर, राष्ट्रपति पर भी उठ रही उंगलियां। श्रीलंका की टूटी आर्थिक कमर, कई देशों ने महंगाई बढ़ने से लेकर दी चेतावनी। पाकिस्तान में असमंजस, सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर के अधिकार पर सवाल खड़े, मुख्य न्यायाधीश ने बोले हवा में नहीं सुनाएंगे फैसला। पाकिस्तान में राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने दिया इस्तीफा। क्योंकि करीबी क्षेत्रों में रूसी सैनिकों की वापसी के बाद सड़कों पर मिले सैकड़ों सौ हाथ बांधकर सिर में मारी गोली। अमेरिकी अध्ययन संस्था की रिपोर्ट में 73% बढ़ सकता है हथियारों का बाजार, भारत, पाकिस्तान और चीन बढ़ाएंगे परमाणु आयुध भंडार। किम जोन की बहन ने दी धमकी, हमारे परमाणु हथियार दक्षिण कोरिया को कर देंगे तबाह, दोनों पड़ोसी देशों में तेज हुई जुबानी। पाकिस्तान में उथल पुथल के बीच आर्मी का दावा, पीएम इमरान खान के खिलाफ विदेशी साजिश का कोई सबूत नहीं। इमरान के आरोपों को अमेरिका ने फिर नकारा, कहा आरोप बेबुनियाद, हम संवैधानिक प्रक्रिया का करते हैं समर्थन। तेलों की जमाखोरी के खिलाफ जांच शुरू, दिसंबर तक बढ़ाई गई स्टॉक सीमा। चालू मार्केटिंग वर्ष में 85 लाख टन हो सकता है चीनी निर्यात, देश हुआ 72 लाख टन का निर्यात। अप्रैल को 36.75 लाख रुपए के करीब हो सकता है बिटकॉइन, बीते 24 घंटे में 1.061% उछला। सुर्खियों में रहते हैं एलन मस्क के ट्वीट, अब खरीद ली है सोशल मीडिया कंपनी में हिस्सेदारी। उत्तर रेलवे ने 92 गाड़ियों में पर्दे और 26 में लिनिन की सुविधाएं बहाल की। एचडीएफसी मर्जर डील का पड़ा प्रभाव, सेंसेक्स ने मारी 1500 अंक की उछाल। टोमेटो का बिजनेस दिलाएगा पैसा ही पैसा, सरकार की मदद से मोटी कमाई। दुबई एक्सपो का समापन, इंडियन पवेलियन की विरासत जारी। की अनुशासनहीनता के आधार पर पायलटों को किया निलंबित। एचडीएफसी के विलय से बाजार में आई रौनक, 1335 अंक चढ़ा सेंसेक्स। बर्बाद हुए हैदराबाद के 6.5 करोड़, लगातार खिलाड़ी अभिषेक शर्मा दे रहा फ्लॉप प्रदर्शन।
चेन्नई सुपर किंग्स के खराब प्रदर्शन के बाद अब होगी स्टार खिलाड़ी दीपक चाहरिक वापसी लौटने के लिए तैयार। न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज जीत कर रॉस टेलर को दी शानदार विदाई, नीदरलैंड के तीसरे मैच में भी हराया। लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने सनराइज हैदराबाद को 12 रन से हराया, आवेश खान ने झटके 4 विकेट। भारत ने शॉटगन विश्व कप में खाता खोला, पुरुषों की ट्रंप टीम ने कांस्य पदक जीता। हार के बाद कप्तान विलियमसन ने गेंदबाजों को दी शाबाशी, बल्लेबाजी के लिए कही है बात। आईपीएल में धूम मचा रहे हैं अनकैप्ड खिलाड़ी, बेहद कम पैसों में हुए थे शामिल। सुंदर के विकेट लेने पर काव्या मारन ने मनाया जश्न, सोशल मीडिया पर फोटो हुई वायरल। रोमांचक मुकाबले में लखनऊ ने हैदराबाद को हराया, आवेश खान रहे जीत के हीरो। हैदराबाद के खिलाफ केएल राहुल ने रचा इतिहास, कोहली और रोहित जैसे खिलाड़ियों की लिस्ट में हुए शामिल। फिल्मी है आलिया भट्ट और रणवीर कपूर की लव स्टोरी, फिल्म बालिका वधू के सेट पर हुई थी मुलाकात। राजकुमार राव हुए धोखाधड़ी के शिकार, अभिनेता के पैन कार्ड पर लिया गया लोन। शाहरुख अक्षय और प्रियंका हुए फेल, कंगना रनौत ने खुद बताया सुपरस्टार हो। जिशान खान से फिर लड़ी पायल रोहतगी, एक्ट्रेस ने रोते हुए कहा मुझे असफल कहना बंद कर। अनिल कपूर की फिल्म से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी शुरुआत, आज अनुपमा बनकर जीत रही दिल। सपना चौधरी ने 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक खूब की लड़कों की पिटाई, देसी क्वीन ने खुद बताई थी इसके पीछे की चौंकाने वाली वजह। जब श्रद्धा आर्या ने खुद सुनाई थी अपने प्रेम कहानी की दास्तां, बताया कैसे पति राहुल नागल ने किया था प्रपोज। अंगूरी भाभी का किरदार चुनने से पहले शुभांगी अत्रे को पति ने दी थी यह सलाह। एसएस राजमौली की आरआरआर की बॉक्स ऑफिस पर धूम, रजनीकांत की 2.0 को भी छोड़ी पीछे। मुश्किल घड़ी में श्रीलंका के साथ खड़ी हुई जैकलिन फर्नांडीज, लिखा मत करे किसी को बदनाम। दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।